और क्या चल रहा है, लैपटॉप देख रहे हो 30,000 की प्राइस रेंज से नीचे, सही वीडियो पे पहुंचे हो, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक और चीज जरूरी है, जैसे कि सारी चीज एक तो क्लियर कर देता हूं मैं, ये जो लैपटॉप है 30,000 की प्राइस रेंज से नीचे, ये जो कि कंटेंट वॉचिंग के लिए है, साथ ही साथ गेमिंग आप कर सकते हो लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर सकते, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। मीडियम गेमिंग कर सकते हो, साथ ही साथ एडिटिंग भी मीडियम कर सकते हो, ज्यादा हैवी गेम्स आप इन पर चला नहीं सकते, ऐसे तो रन कर जाएंगे लेकिन वो मजा नहीं आएगा एक्चुअली में, जो 50,000 प्लस की प्राइस रेंज में होते लैपटॉप। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। इन सभी लैपटॉप के बारे में आपको जानना जरूरी है और एक और चीज जरूरी है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा लीजिए। तो स्टार्टिंग करते हैं Lenovo IdeaPad Slim, जो कि स्लिम ही है। अच्छा इसमें आपको डिस्प्ले 15.6 इंच की, जो कि फुल HD में है। रैम 8GB, स्टोरेज 256GB, एक्सपेंडेबल मेमोरी 12GB तक देखने को मिलेगी। बात करें इसकी CPU की, इंटेल कोर 13 जनरेशन का देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल गेमिंग तो नहीं कर सकते लेकिन ओकेजनली गेमिंग आप कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो लैपटॉप काफी हल्का होने वाला है, क्योंकि स्लिम जो हो गया 1.7 kg इसका वेट होने वाला है। विंडो 11 का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा और खास चीज ये है विदाउट बैंक ऑफर कार्ड। इसकी प्राइस रेंज 32-33,000 रुपए करंट में, तो समझ लो ये 30,000 की प्राइस रेंज से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप है Acer Extensa 15, ये भी 30,000 की प्राइस रेंज से नीचे है। 15.6 इंचेस की फुल HD में लंबी चौड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 1.7 kg इसका वेट होने वाला है। रैम 8GB, स्टोरेज 512GB, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसमें जो कि स्टोरेज इनफ दिया गया है प्राइस रेंज के हिसाब से। CPU इंटेल 13 जनरेशन, और खास चीज ये है इसकी प्राइस रेंज 29,000 रुपए होने वाली है बैंक ऑफर समेत। अगर आप कार्ड वगैरह कुछ यूज नहीं करते तो देन इसकी प्राइस रेंज 31,000 रुपए होगी, तो किसी दोस्त का यूज कर लेना कार्ड। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus VivoBook 15, इससे पहले जो स्पेसिफिकेशंस बताए थे जिन लैपटॉप के, सब कुछ सेम होने वाला, बस थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे इसमें। डिस्प्ले 15.6 इंचेस की जो कि फुल HD में है। इसका वेट 1.8 kg है, वही सेम 8GB रैम और स्टोरेज 512GB। इसमें जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर IX टाइप सी देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रकार से प्लस पॉइंट हो गया। इसकी भी प्राइस रेंज 30,000 रुपए से नीचे होने वाली है बैंक ऑफर मिलाकर, विदाउट बैंक ऑफर थोड़ी महंगी पड़ सकती है आपको। नेक्स्ट लैपटॉप है Acer Aspire Lite, इस लैपटॉप में भी कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले 15.6 इंचेस की फुल HD प्लस 4K में है। खास चीज ये है 36 आवर्स की बैटरी लाइफ। प्रोसेसर इंटेल कोर i3 1115G4, 11 जनरेशन का प्रोसेसर इसको सपोर्ट करता है। नाउ टॉक अबाउट रैम एंड स्टोरेज, रैम 8GB DDR4 3200MHz में देखने को मिलता है। रैम के दो स्लॉट है जिसमें एक 8GB में और दूसरे स्लॉट में 16GB, या फिर 8GB लगाकर एक्सपेंड किया जा सकता है। यदि दोनों स्लॉट में 16+16GB लगाया जाए तो 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो कि SSD का सपोर्ट 512GB तक देखने को मिलता है और एक्सपेंडेबल मेमोरी 2TB तक। ये काफी लाइट वेटेड है 1.59 kg में, और इसकी प्राइस रेंज 29,000 रुपए है। सो लास्ट लैपटॉप जो है HP 245G8, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये भी 30,000 की प्राइस रेंज से नीचे है। डिस्प्ले 14 इंचेस में, और खास चीज ये है ठीक ठाक लगी सारी चीजें मेरे को, ज्यादा ठीक भी नहीं लगी क्योंकि हम पेड वीडियोज नहीं बनाते या फिर दूसरे यूट्यूबर्स की तरह जो मतलब की स्पॉन्सरशिप के लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, जो है वो रियलिटी बताते हैं। प्रोसेसर Ryzen 3 ड्यूल कोर, रैम 8GB और SSD जो कि 512GB में देखने को मिलती है। इसमें आप ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो लेकिन थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत हो सकती है, और एडिटिंग भी कर सकते हो मिड लेवल की। और इसकी प्राइस रेंज 30,000 रुपए से नीचे होने वाली है विदाउट बैंक ऑफर। इन सभी चीजों पर रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को थम्स अप कर दीजिए और जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे इन सभी में से आपको बेस्ट लैपटॉप कौन सा लगा और क्यों लगा, प्राइस रेंज के हिसाब से या फिर फीचर्स के हिसाब से? नेक्स्ट वीडियो किस प्राइस रेंज में होनी चाहिए, 50K की प्राइस रेंज में या फिर 40K की प्राइस रेंज में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।